छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बस्तर में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन ने नियम को सख्ती से पालन करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा इससे बचने के कई दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं। राज्य में कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने पूरे बस्तर जिले में धारा 144 लागू की है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर रजत बंसल के साथ बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा मौजूद रहे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत जो भी नियमों के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखाई देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में और विशेष रूप से सभी बड़े ग्राम पंचायतों में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद लोग अनावश्यक निकल रहे हैं घर के बाहर, और निकलते हैं तो मास्क जो पहन रहे हैं या तो अच्छे से नहीं पहन रहे हैं या फिर पहन ही नहीं रहे हैं। इस पे कड़ाई करने के लिए आज पूरे ज़िले में धारा 144 लगा है, और साथ में इसकी कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने अभी शहर में आज फ्लैग मार्च भी निकाली, और विशेष रूप से 10 मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम्स का हम लोगों ने स्थापना की है, उनको तैनात किया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी, हमारे कई राजस्व के अधिकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के भी अधिकारी, जो लोग गाड़ियों में घूम के पूरे वार्ड्स की जिम्मेदारी जिनको दी है, अलग अलग जगह जा करके लोगों पर फाइन वसूलेंगे। यदि कोई दुकानदार फॉलो नहीं कर रहा है किसी भी तरह से नियम को, तो उसमें भी फाइन करेंगे। जो अन्य प्रकार के जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, किराना दुकान हो, सभी पे नियंत्रण करेंगे, और विशेष रूप से मार्केट्स पे इनका लगातार भ्रमण चलेगा। हाँ, आज दिनांक से 23 तारीख से ज़िले में धारा 144 लगाई गई है। इसको देखते हुए हम लोगों ने अभी प्रशासन और पुलिस की 10 टीमें आज से कार्यरत हैं शहरी क्षेत्र में। शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी टीमें बनाई जाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि धारा 144 को देखते हुए जहाँ जहाँ ऐसी भीड़भाड़ की जगह है, जहाँ भी अनावश्यक लोग से 5-7 लोग ऐसे लोग भीड़ बना के बैठे खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। साथ ही मास्क के ऊपर सभी टीमों को बताया गया कि बिल्कुल 100% पालन हो मास्क का, इसको देखने के लिए हम लोगों ने भी आज फ्लैग मार्च किया था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।